हे hey, कैसे हो आप सब मेरे जिगर के टुकड़े हो ना आप लोग तो मस्त ही होंगे। क्या कर क्या रहे हो, काम वाम कर रहे हो या फ्री बैठे हो? देखो फ्री नहीं बैठना है, काम करना है। लेकिन आज इस टॉपिक में मैंने बात नहीं करना है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना है ना, वो हमारे सबका दिमाग खाता है कभी ना कभी। भाई अपुन का भी खाया, और अभी जो भी मैं स्टाइल वगैरह करता हूँ ना, बेसिक सा फंडाज है कुछ, वो सब याद रखता हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट, कितना है मुझे भी पता नहीं, मैंने लिखा लेकिन कुछ पता नहीं कि कितना पॉइंट है, काउंट नहीं किया। लेकिन बहुत ही छोटा एंड शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज शो वीक, आई वेलकम यू ऑल टू मी3 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब भी हम फैशन या फिर फैशनेबल देखने का बारे में सोचते हैं, या फिर मॉडर्न दिखने के बारे में सोचते हैं, कहीं जाना हो, कहीं स्पेशल ओकेशन में जाना हो, या फिर हमारे डेली लाइफ के बारे में ही हो, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं फैशन्स को लेके। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और बहुत कुछ होता है इस फैशन के वर्ल्ड में जो हमें कंफ्यूज होने में मजबूर कर देता है। हम सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होता है। तो ये मैं आज का वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कुछ ऐसा सिंपल, बहुत सिंपल हैक्स है अपने लाइफ का, जो आप लोग फॉलो करना शुरू कर दो ना, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको फैशन ट्रेंडिंग स्टाइल्स फॉलो करने में। मैं हर एक पॉइंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए कॉमन सा पॉइंट बताने वाला हूँ, सो आप सब लोग आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। शुरू करने से पहले याद दिला देता हूँ, अगर आप इस चेहरे को नया देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो थोड़ा और देख के अच्छा लगे तो लाइक दबा देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर दें। तो दोस्तों, स्टाइल कैसे करना है ये सोचते सोचते हम लोग कभी जलेबी बना देते हैं अपने मन में। कुछ खरीदना हो, टी शर्ट वगैरह, या फिर मतलब ऊपर का पहनने वाला कुछ भी खरीदना हो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अक्सर। इस उलझन से निकलना कैसे है? तो दोस्तों, एक सिंपल हैक है, ज़्यादा कलरफुल चीज़ों को चूज ना करके बेसिक कलर के टी शर्ट, शर्ट्स, गर्ल्स हो तो टॉप्स, बेसिक जो कलर्स होता है, जैसे आज जो आपके सामने पहन के मैं आया हूँ, ग्रेइश टाइप का ब्लैक है, ब्लैक ले सकते हो, ऐसा वाला ग्रेइश ब्लैक ले सकते हो, ग्रे कलर ले सकते हो, ब्राउन कलर ले सकते हो, या फिर मैरून, या फिर वाइट एक कॉमन सा कलर है। थोड़ा सा फंकी लुक अपने आप को देना चाहते हो सिंपल में, सो रेड कलर यू कैन चूज, और येल्लो एंड ऑरेंज जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करके खरीदना पड़ता है। जस्ट ये बेसिक सा फंडा फॉलो करो शॉपिंग करते वक्त, ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ही नहीं आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ ये बेसिक कलर्स के टी शर्ट, शर्ट या टॉप आप खरीद सकते हो, भाई हीरो जैसा दिखोगे, और बहुत ही सिंपल फैशन आप फॉलो कर सकते हो। सो जो दूसरा पॉइंट है वो एक अलग टाइप का बैठता है आपके फैशन सेंस में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये मेरे पिछले वाले वीडियो का जो आई बटन में आप लोग देख रहे हो, अगर नहीं देखा तो फिर से देख लो जाके एक बार। उस वीडियो में मैंने बताया था कुछ बिहेवियर, कुछ कुछ रिस्पेक्ट, अच्छा पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए, तो उनमें से ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। हैंडसम या ब्यूटीफुल देखने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके चलने का ढंग, इससे आपका पर्सनैलिटी भी बढ़ता है और स्टाइल भी बढ़ता है। हैंडसम दिखोगे, गर्ल्स हो तो खूबसूरत दिखोगे ऑफ कोर्स, एंड हंक दिखना है लड़कों को तो भाई चलने का ढंग ठीक कर लो, ऐसे नहीं ऐसे चल दिया कहीं पे, ऐसे नहीं चलना है। देखो, जेंटल वे में चलने का एक अलग ही मज़ा है, आप करो, आप चलने का ढंग चेंज करो। बहुत सारा स्टाइल्स होता है, आपकी फिगर में, आपके बॉडी में, आपके पर्सनैलिटी में कौन सा स्टाइल चूज करता है ये आप खुद सोच सकते हो। मिरर है घर पे, उस मिरर पे आप जिनको देख रहे हो ना, वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान है, मिरर पे जाके देखो मिल जाएगा। तो उसको सिर्फ हमें थोड़ा सा ब्रश अप करना है, और ये बेसिक सा फंडाज जो आज मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है, एंड यू विल बी वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तीसरा पॉइंट के बारे में भी अगर बात करूँ, ये भी लगभग वैसे ही मिलता जुलता है मेरे भाई मेरे बहन, सीधा बैठना, सीधा बैठना प्रैक्टिस करो। ये पब्लिक में आप अलग दिखोगे, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखोगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे। आप लोग सोच सकते हो कि ये फैशन में कैसे आया, ये फैशन में आता है पर्सनल ग्रूमिंग में। आप अगर जाओ
तो ये टीच किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि सीधा कैसे बैठना है, स्टाइल में कैसे बैठना है, स्टाइल में कैसे चलना है। सो चौथा पॉइंट दोस्तों, ये उंगलियां, ये उंगली में जो नेल्स होता है ना उसको ब्यूटीफुल दिखाओ। ये सब अगर नीट एंड क्लीन रहेगा ना तो एक लेवल अप हो गया, आपका पर्सनैलिटी भी अप हो गया और आप दिखोगे भी ज़्यादा फ्रेश, नीट एंड क्लीन। और जो दिखता है फ्रेश, नीट एंड क्लीन, वो हो जाता है फैशन के दुनिया में इन। घटिया शायरी था, एनीवे मैटर सही है। नेल्स को क्लीन रखो, पब्लिक में स्क्रैच, ये सब खुजली, इधर खुजली हो रहा है, इधर थोड़ा खुजला दो, ये सब करना बंद करो पब्लिक में। सो आपको अगर हैंडसम दिखना है, आपको अगर ब्यूटीफुल दिखना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सिली पॉइंट्स। यही होता है कुछ बेसिक फंडा जो हम लोग अपने लाइफ से भूल जाते हैं और बिजी हो जाते हैं अलग अलग ड्रेस खरीदने में, अलग अलग मेकअप चीज़ खरीदने में, अलग अलग कॉस्मेटिक्स खरीदने में। वो सब सेकेंडरी चीज़ें, आपका सबसे पहले पर्सनैलिटी अगर ठीक रहेगा, आप अगर डिसिप्लिन रहोगे, आप अगर बेसिक जो आज चीज़ें बता रहा हूँ वो सब अगर आप फॉलो करोगे तो आप दिखोगे अलग, आप दिखोगे सबसे अलग। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आप अगर फॉलो कर लो इस बंदे का दिया हुआ बेसिक हैक्स जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप अलग दिखने के लिए मजबूर हो। पांच नंबर पॉइंट पे अगर अब आए तो ये फिर से कल के वीडियो के साथ, मतलब परसों के वीडियो के साथ मैच करता है, वो है टॉकिंग पोलाइटली। इससे आपका पर्सनालिटी को भी एक अलग सा किक मिलता है, आप दिखोगे हैंडसम इनटू 10, हैंडसम इनटू 100, हैंडसम इनटू इन्फिनिटी। यस, किसी के साथ आप अगर पोलाइटली बात करोगे, इससे दिखता है आपका पहचान, आप हो कौन, इससे दिखता है आपका मैच्योरिटी, इससे दिखता है आपका जेंटलनेस, समझ रहे हो ना। तो ये भी फॉलो करना पड़ता है आपको, अपने आप को फैशनेबल बनाने में, अपने आप को हैंडसम दिखने में। पर्सनालिटी के बारे में डिटेल्स में बात किया परसों के वीडियो पे, आप लोग जाओ थोड़ा देखो, आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर और भी टिप्स चाहिए तो मुझे कॉमेंट करो। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मस्ट पॉइंट है, ओडर। आपके बॉडी ओडर या फिर आपका माउथ ओडर, यू नो ओडर मतलब जो गंध बचता है ना, आप कहीं भी जाओ थोड़ा डीओ यूज़ करो, समर सीजन है, डीओ मस्ट है। अभी कोई कोई बोलेगा कि मैं हूँ इतना फ्रेश, हमें डीओ नहीं चाहिए। भाई मेहनत करो एंड यू विल नो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डीओ। यू नो व्हाट, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, वीडियो में है, मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ अकेले में, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, बट मैंने डीओ लगाया है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे भी ज़्यादा खुद में एक अलग सा, मतलब फ्रेशनेस आप फैला सकते हो, खुद अलग सा कहीं भी जाओ एक पहचान बना सकते हो। लिमिटेड और छोटा छोटा स्प्रे करना है, बट यू नो एक अलग सा फ्रेग्रेंस आपसे फैलना चाहिए। इससे भी आप दिखोगे हैंडसम इनटू 100, हैंडसम इनटू 200, ब्यूटीफुल इनटू 500, समझ रहे हो ना। ओडर अच्छा होना चाहिए, बॉडी ओडर भी, माउथ ओडर भी, मुंह का दुर्गंध भी नहीं रहना है। कहीं भी जाने से पहले प्याज मत खाओ, मैं बहुत पसंद करता हूँ प्याज, बट धीरे धीरे मैं ये हैबिट चेंज कर रहा हूँ, कहीं जाने से पहले कभी भी प्याज नहीं खाना है, लहसुन तो दूर की बात। सो एनीवे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं हमेशा वीडियो करने से पहले हेयर सेट करके आपके सामने पेश आता हूँ, क्यों, मुझे अच्छा दिखना है, सिंपल एंड बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अच्छा दिखने के लिए आपको हेयर केयर करना पड़ेगा, आपका हेयर का केयर जरूर करना पड़ेगा। शैम्पू गुड थिंग, ऑयल गुड थिंग, बट आपको अगर हैंडसम दिखना है थोड़ा बहुत हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप कुछ भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ करो, ज़्यादा देर नहीं रखना है, मैक्सिमम 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद आपको वो शैम्पू करके हटा देना होता है एंड नॉर्मल रेगुलर केयर करना पड़ता है। उसके बारे में भी एक अच्छा सा अलग सा टॉपिक लाएगा आपका बंदा, वो अभी अभी जो आप जिसके साथ बात कर रहे हो ना, वो अभी गर्म है, हर दिन वीडियो करना है ना, सो टॉपिक चाहिए और
आपके साथ बात करते करते ही बहुत अच्छा सा टॉपिक निकल के आ रहा है। सो एनीवे, हेयर केयर करना बहुत ही जरूरी है। आपका हेयर अगर घोंसले जैसा लगता है, चिड़िया का घोंसला जैसा, बर्ड्स नेस्ट जैसा दिखता है, तो उससे आपका हैंडसम दिखना इम्पॉसिबल है। हैंडसम दिखने के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका चिड़िया का घोंसला यहाँ का। सो यू हैव टू सेट योर हेयर प्रॉपरली बिफोर गोइंग आउटसाइड। कहीं पे जाओ, कोई भी ओकेशन में जाओ, हेयर के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ऑफकोर्स कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करो, यू हैव टू शावर ऑफ the gel, the product that you have used in your hair. Last point आज के लिए, वैसे तो point बहुत सारा है ध्यान देने से, लेकिन आज मैं इस वीडियो में basic hacks बता रहा हूँ, एकदम basic कुछ चीज़ें जो आप अगर करोगे तो आप दिखोगे ही पक्का मस्त बंदा मस्त बंदी दिखोगे आप, ये कुछ point अगर याद कर लो तो। So last point है जूते, बिल्कुल जूते, shoes. Your shoes must be neat and clean. आप अगर सिंपल सा एक शू खरीद लो, या फिर दो, वाइट एंड ब्लैक, या फिर वाइट रखो, ब्राउन रख सकते हो, वाइट रख सकते हो, ग्रे रख सकते हो, समझ रहे हो? सो ये बेसिक शू अगर आप सिलेक्ट ठीक से करोगे और उसको क्लीन अगर रख के चल पाओगे, सो यू विल लुक डिफरेंट। आपका शू के ऊपर नज़र सबसे पहले जाता है लोगों का। क्या आपको पता है साइकोलॉजी ये बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि कोई भी अगर किसी को देखता है तो फेस बाद में दिखता है, पहले उसका आउटफिट दिखता है और शूज़, आउटफिट में शूज़ सबसे पहले दिखता है। एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट फंडा क्या है, लेकिन ये सही है, मैंने नोटिस किया है। आपके शूज से आपका रेस्पेक्ट, आपका शूज से आपका बिहेवियर, आपका शूज से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाता है। और इससे आप अगर शू क्लीन रख पाओगे और बेसिक सा कलर्स का शूज पहनोगे, सो यू विल लुक डेफिनेटली ए हैंडसम गाय, ए हैंडसम हंक, ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कोई भी हैंडसम दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है, सुंदर दिखना है, डैशिंग दिखना है, आपको शूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बीच में शायद मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो पैंट का था, चिनोज पैंट्स, ट्राउजर, थ्री क्वार्टर्स, हाफ पैंट्स, कुछ भी आप पहनो, बट इट शुड बी ए मिनिमलिस्टिक कलर वाला पैंट, ग्रे, डेनिम कलर, ब्लैक। दीज थ्री कलर्स कैन चेंज द गेम। आप दिखोगे बहुत ही अलग, आप दिखोगे बहुत ही डैशिंग एंड ब्यूटीफुल अगर लड़की हो तो। तो सिंपल सा फंडा आज मैं आपके सामने पेश किया, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मी थ्री गाय शोविक। और ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, ज़रूरी वीडियो देखने के लिए मी थ्री चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आई बटन में दिया हुआ जो वीडियो है वो आप प्लीज़ देख लो, उसमें मैंने पर्सनैलिटी को हाई कैसे करना होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, प्लीज़ जाके देखो अगर नहीं देखा तो, और अगर देख लिया तो वेल एंड गुड भाइयो। सो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अच्छा नहीं लगा तो प्राउडली डिसलाइक करना, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिछाया हुआ है नीचे, आप कुछ भी कमेंट करो। लेकिन क्या टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं, वो सब आप सजेस्ट ज़रूर करो नीचे। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना बनता है, प्लीज़ यू कैन फॉलो मी थ्री गाय @me3guy, उसमें जाके आप फॉलो करो। और ट्विटर का हैंडल भी नीचे दिया हुआ है, मैं भूल जाता हूँ ट्विटर का हैंडल का यूजर नेम, सो आप नीचे जाके ट्विटर में यू कैन फॉलो मी। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, बी ओरिजिनल, किसी के बातों पे नहीं आना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की मर्जी से चलना है, मचाते रहो।